मैंने उनके गला दो मैच खेले हैं, दोनों में मैंने उनको आउट किया है। अच्छा, इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसे आउट करके आपको प्राउड फील हुआ हो कि यार ये सबसे बड़ी विकेट है मेरी? सचिन को लेजेंड है ना, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर का जो वो आउट जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है। जी जी LBW, वो आउट था, आउट था। अंपायर ने अभी भी कहा, मैं भी कहता आउट था, दो फ्रेम एंड वाले काटे इन्होंने बॉल को मिस करने के लिए। साल 2011 वर्ल्ड कप को याद करके पाकिस्तानी खिलाड़ी ने लगाया आरोप। साल 2011 भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान के साथ हुआ था, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 115 गेंदों पर 85 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर की ये पारी भारत और पाकिस्तान के बीच जीत और हार का अंतर बनी थी। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल ने सचिन को 23 रनों के निजी स्कोर पर फंसाया था। सचिन LBW हो गए थे, जिसके बाद एम्पायर ने उन्हें आउट करार दिया। यहां बल्लेबाज ने रिव्यू लेने का फैसला किया, जिसके बाद थर्ड एम्पायर ने सचिन को नॉट आउट पाया। सचिन तेंदुलकर बच गए और इसके बाद जो हुआ उससे सभी वाकिफ हैं। हालांकि इस घटना के 12 साल बाद भी पाकिस्तानी गेंदबाज सईद अजमल का ये मानना है कि वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के साथ चिटिंग हुई थी, क्योंकि वहां सचिन आउट थे। सईद अजमल ने हाल ही में नादिर अली पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को याद करके अपना दिल खोला। वो कहते हैं, अगर आप उस विकेट को याद करते हैं तो मैं कहूंगा कि एम्पायर और मैं अभी भी ये कहते हैं कि सचिन आउट थे। वीडियो के आखिरी दो फ्रेम काट दिए गए, जिससे बॉल लेग स्टंप मिस कर सके। अगर ये दोनों फ्रेम दिखाए जाते तो गेंद सीधा मिडिल स्टंप से टकराती। पाकिस्तानी खिलाड़ी के बयान से ये साफ है कि वो अब तक साल 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली भारत से हार को नहीं भूल सके हैं। इतना ही नहीं, सईद अजमल का ये भी मानना है कि अगर ICC द्वारा उन पर बैन बॉलिंग एक्शन के कारण नहीं लगाया जाता तो वो अपने करियर में 1000 से ज्यादा विकेट हासिल करते।